हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टॉप एकता। और यहाँ पे आपको मैं अपने टाउन का थोड़ा सा एरिया दिखा रही हूँ। और मैं और मेरे भाई की फैमिली, हम लोग हिमाचल में जा रहे हैं घूमने। हमारे टाउन के पास ही है, और जैसे कि हमारा टाउन हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, तो जस्ट 5 मिनट में हिमाचल हम लोग एंटर कर जाते हैं। तो ये देखिए, हम हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को हमारे टाउन के पास ही कुछ मंदिर हैं, वो मैं उनके दर्शन करवाऊंगी। ये देखिए, ये हम लोग हिमाचल के बॉर्डर एरिया पे आ चुके हैं। ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये क्रॉस करने पे ही हम लोग हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स होते हैं, उनको पर्ची कटवाने पड़ती है। तो 50 रुपीज़ की पर्ची है शायद, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए रुके हैं। 2 व्हीलर वालों को पर्ची नहीं कटवाने पड़ती है। और ये हिमाचल का रोड आ चुका है वो, और हम लोग हिमाचल जा रहे हैं। और हमारा देखिए, ग्रीनरी है यहाँ पे, और बहुत सुंदर पहाड़ियाँ भी दिखाई देंगी। और ये रास्ता जो है, ये हिमाचल में हम लोग एंटर कर दिया, तो मंकी तो दिखाई दे रही है। बहुत सारे मंकी भी हैं यहाँ पे, गद्दी जैसे बोलते हैं ना, कुछ प्रसिद्ध गद्दी या प्राचीन गद्दी है कुछ। ये ऐसा मंदिर बना है जिसको हम हमारे यहाँ पे बोलते हैं बाबा का, बच्चे बहुत खुश बाबा जी का मंदिर है। तो हम लोग बहुत टाइम के बाद हम लोग प्राचीन शिव मंदिर है, निकले थे डैम के पास ही बना है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग दर्शन करने। तो ये मैंने पूरे रास्ते की वीडियो बना ली थी। सामने देखिए, बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यू है। और जस्ट 10 मिनट में बाई कार हम लोग पहुंच जाते हैं, बहुत ही नज़दीक है हमारे यहाँ। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे मंकी थे। तो मंदिर में भी मैंने बीच बीच में ही शूट किया है, क्योंकि मंकी का बहुत डर रहता था। और ये हम लोग अब मेन रोड छोड़ के अंदर की तरफ जाएंगे, और ये मंदिर को जाता है रास्ता बाबा काटी जी को। तो पहले का टाइम जब होता था, बल्कि बहुत पुरानी बात है कि पहले यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती थी, क्योंकि जो हिमाचल में बोलते हैं ना, जैसे छोटे छोटे नाले से बने होते हैं, यहाँ पे पानी बहता है, तो ये वो ऐसी जगह हुआ करती थी, पूरा कच्चा हुआ करता था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे चीज़ें इम्प्रूव होती जाती है। तो ये काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, और अब पानी भी नहीं है, वो चीज़ें भी नहीं रही हैं जो पुरानी थी। तो पहले हम लोग ये पानी क्रॉस करके फिर हम लोग जाते थे, काफ़ी मतलब कि सालों की बात पुराने में बता रही हूँ आपको। और अब तो गाड़ियाँ जो हैं, वो तो बिल्कुल मंदिर के सामने और बिल्कुल आगे जाती हैं। तो ये देखिए ना, ये तो सारा एरिया है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई देगा आप लोगों को। तो ये सारा यहाँ पे पानी हुआ करता था, और हम लोग ऐसे यहाँ से पानी नीचे जाते, बहुत ही साफ सुथरा पानी हुआ करता था। ये अभी भी दिख रहा है, और ये सामने ही आप लोगों को मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और ये पहाड़ी एरिया है सारा। पहले यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक मंदिर हुआ करता था, पर अब तो आसपास काफ़ी लोग रहते हैं जो सेवा करते हैं यहाँ पे। और हमारे जो आसपास के गांव के, छोटे छोटे गांव के और शहरों के जो लोग हैं, बहुत ही मानते हैं और बहुत नामदान ले रखा है यहाँ पे लोगों ने। और यहाँ पे गौशालाएं भी हैं, ये देखिए गौशालाएं बनी हुई है, और बहुत ही मतलब कि सुंदर एरिया बना दिया गया है ये, और बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। पहले छोटा सा हुआ करता था। और ये देखिए, यहाँ पे ये एंटर कर रहे हैं हम लोग, और बाकी जो आए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो यहाँ पे भी मंकी जी जो थे, वो हमें डराने के लिए आ चुके थे। तो ये भाभी जो है मेरी, डर के मारे ही इधर से निकल रही है, ये ड्राइव करके नहीं आई है गाड़ी को। तो अब हम लोग एंटर करते हैं, और मैंने यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था, तो हम लोग सीधा ही ऊपर रूम में आ चुके हैं, जहाँ पे गद्दी के दर्शन होते हैं। तो ये जो पहले गुरु थे, ये उनकी फ़ोटो है, ऐसे सारों के मतलब कि उन्होंने फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पे रूम में। उन्होंने छोटा सा मंदिर बना रखा है, और यहाँ पे ये हवन होता है, जिसको यहाँ हमारी भाषा में तो तूनी भी बोलते हैं, ये तूनी लगा रखी है उन्होंने। यहाँ पे मंदिर में इस रूम में आके दर्शन करते हैं और माथा टेकते हैं। और यहाँ पे देखिए,
सब देवी देवतों की फोटो लगी हुई है। ये कोई नहीं है कि बस अपने ही कोई ऐसा फिगर की फोटो लगानी है, सब देवी देवतों की यहाँ पे मान्यता है। तो बहुत लोग यहाँ पे मतलब कि मानते हैं इस जगह को। और ये भी एक रूम बनाया गया है यहाँ पे, विश्राम रूम बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो भी हमारे देवी देवता हैं जो भी हैं वो सब प्रदर्शनी बोल सकते हैं इस जगह को, क्योंकि बाहर लिखा हुआ था एंट्रेंस पे ही प्रदर्शनी रूम। तो ये यहाँ पे सब दर्शन करने के लिए आएंगे। और बहुत ये न्यू बनाया है, बहुत ही सुंदर है और लाइटिंग बहुत सुंदर बनाई गई है यहाँ पे। और इसके बाहर जाते ही सामने लोग दर्शन करने के, जो इस टाइम जो गुरु जी हैं गद्दी पे वो बैठे हुए थे और वो सबको प्रसाद दे रहे थे। और यहाँ पे प्रसाद सिर्फ लौंग और इलायची का मिलता है। तो ये देखिए सामने बैठे हुए हैं और लोग प्रसाद ले रहे हैं। तो ये मैं बोला प्रदर्शनी द्वार है ये। तो ये यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर जो मैंने अभी आपको एरिया सारा दिखाया रूम के दर्शन करवाए, तो यहाँ से जाते हैं। और ये हॉल रूम है और बहुत ही साफ़ सुथरा है सब। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि शोरगुल है या कुछ है। तो यहाँ पे जब कीर्तन होता था पूरा पहले, तो अब तो चलो माहौल कुछ ऐसा है कि गैदरिंग इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा हॉल भर जाता है और बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही पीसफुल एरिया है। तो बच्चे बहुत खुश थे, देखिए यहाँ पे पूरी प्रोटेक्शन ले रखी है कि मास्क वगैरह तो हमारे बच्चे भी गाड़ी में भी नहीं उतारते हैं। तो ये मंदिर छोटा सा बनाया है और बहुत ही कलाकारी दिखाई गई है यहाँ पे। यहाँ पे ये तीन बंदर बैठे हुए थे, मैं जूम करके दिखाती हूँ। मुझे बड़ा मतलब कि अट्रैक्टिव लगे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे बैठे हुए, पर मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो मोबाइल ना छीन ले। तो अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे भी छोटे छोटे दर्शनों के लिए मंदिर बनाए गए हैं ये। और अब हम लोग एक छोटा सा ये मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखते होंगे सर्कल भी बनाए गए हैं, तो पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो अगर कोई मतलब कि ज़्यादा भीड़ होती है तो ये सर्कल बनाए गए हैं उसके लिए, कि यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं और बच्चे यहाँ पे माथा टेक रहे हैं। और ये अंदर का एरिया है, यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का फोटो लगा है और बाबा बालकनाथ जी की ही जगह है ये। और इस छोटे से मंदिर में बच्चों को प्रसाद मिला था, ये मिला था इनको क्या बोलते हैं इसको, सोगी बोलते हैं शायद, नहीं सोगी मिश्री का प्रसाद मिला था। तो बच्चे तो मीठे में मीठे के दीवाने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी हाथी का फेस बना रखे हैं, मतलब काफ़ी सुंदर मतलब कि यहाँ पे काम किया गया है और कलरफुल एरिया मतलब कि लग रहा था, कलरफुल मंदिर बोल सकते हैं। तो और गुलाब के फूल लगा के रखे हैं, बहुत काम चलता है यहाँ पे, जितनी भी चढ़त होती है। तो ये सारा यहीं पे ही मंदिर बनाने में या फिर संगत की सेवा में लगा देते हैं। तो अब जा रहे हैं दूसरी तरफ, एक और छोटा सा मंदिर है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई फंक्शन वगैरह कुछ होता है तो ये सामने जो बिल्डिंग पे दिखाई दे रही है वहाँ पे विराजमान किया जाता है, जो संगत आती है वहाँ पे रूम्स लेके रह लेते हैं। तो ये देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो भाई का बेटा मस्ती करता हुआ, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, तो मंकी को देख के स्पेशली बहुत खुश हो रहे थे, जैसे कि उनको पता नहीं क्या देखने को मिल रहा है। ये जो सामने मंदिर है यहाँ पे अब हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे।
और इसके साथ ही तो बिल्डिंग है, यहाँ पे भी शायद कुछ रूम्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, तो इसीलिए कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। नहीं तो पहले ये इतना नहीं, यहाँ पे इतना मंदिर नहीं थे। और इस वाले मंदिर के बाहर भी देखिए सर्कल बनाए गए हैं, गोल गोल सर्कल बनाए गए हैं डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे हमारी आव्या कुछ बोल रही थी कि मंकी जो होते हैं वो बनाना खाते हैं ऐसा कुछ बोल रहे थे बच्चे, खुद में ही मस्त रहते हैं और उनकी खुद की अलग सी बातें। और अब मैं भी दर्शन करूँगी। ये वाले मंदिर में ना बाहर लॉक लगा के रखा हुआ था, पता नहीं क्यों, तो शायद पुजारी जी नहीं होंगे इस टाइम तो मंदिर बंद करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे मंकी भी बहुत हैं तो डर रहता है कि कहीं अंदर ना चले जाएं, तो इसलिए लॉक लगा के रखा होगा। ये अंदर का आप लोगों को दिखाऊंगा, ये गुरु जी की मूर्ति लगी हुई है, बनी हुई है। तो इसके बाद हम लोग लंगर खाने गए और लंगर भी हर टाइम चलता है यहाँ पे, और दाल रोटी और कढ़ी और चावल बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और यहाँ पे खास चीज बात है कि लंगर खाने के बाद बर्तन हमें खुद साफ करने पड़ते हैं, जो कि मंकी लोग हमें बहुत परेशान करते हैं और डराते हैं। और इसके बाद हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और देखिए बाहर का एरिया है ये सारा मंदिर का, तो बाहर भी सर्कल बना के रखे हैं डिस्टेंस के लिए। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे प्राचीन शिव मंदिर है डैम के पास, तो ये अब हम लोग वापस जा रहे थे जिस रास्ते से हम लोग आए थे, मैंने आप लोगों को पीछे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, तो ये उसकी ऑपोजिट है। तो मेन रोड पे हम लोग आ चुके हैं, तो अब इन लोगों को जाना था शिव मंदिर। तो शिव मंदिर के जाने के लिए ये मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ये डैम को रास्ता जाता है, तो ऐसे हम लोग एंटर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो बैरिकेड लगा रखे हैं ये इसलिए लगा रखे हैं, यहाँ पे पर्ची कटवाने पड़ती है, अपनी गाड़ी का नंबर देना पड़ता है, फ़ोन नंबर देना पड़ता है, और टाइमिंग यहाँ पे देने लिखते हैं पर्ची के ऊपर, जो कि डैम वालों को आगे बताया जाता है कि इस नंबर वाली गाड़ी आ रही है, क्योंकि वहाँ पे रुकने का मतलब की परमिशन नहीं है डैम के ऊपर। तो ये देखिए मंकी जी और बच्चे इतना खुश हो रहे थे इसको देख के, और ये भी सोच रहा था कि आवाज़ें पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। तो हम लोगों को पर्ची नहीं कटवानी थी क्योंकि हम लोग पहले ही मुड़ जाएंगे, हमें डैम के रास्ते पे नहीं जाना था, तो हम लोग शिव मंदिर जाने वाले थे। तो मैं तो नहीं गई हूँ शिव मंदिर क्योंकि वहाँ पे 500 के करीब सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं, और उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बाकी सब लोग गए दर्शन करने के लिए, और मैंने नीचे से कुछ वीडियो मैंने क्लिप्स शूट किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। और बहुत ही अच्छा व्यू था मतलब कि नीचे का, तो डैम का भी स्पिलवे वगैरह दिखता है नीचे से, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो अब चल दिए हैं हम लोग शिव मंदिर की तरफ, ये शिव मंदिर का रास्ता है। अब देखिए हम लोग ये रोड को छोड़ के फिर से कच्चे रास्ते पे चले जाएंगे, और ये सारा रोड जो है ये शिव मंदिर को जाता है, और जो पक्के वाला रोड हम लोगों ने छोड़ा है वो डैम को हिमाचल की तरफ चला जाता है, धर्मशाला को जाता है, धर्मशाला कांगड़ा वगैरह इस तरफ चला जाता है। तो हम लोग अब शिव मंदिर जाएंगे, और ये सारा कच्चा रोड बना हुआ है, डैम के पास है ये। इसकी भी कोई मतलब की स्टोरी है कि यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे क्यों मंदिर बना, क्योंकि ये डैम जब बना था कहते हैं कि तो यहाँ पे जब भी वो खुदाई करते थे तो मतलब की गाड़ियाँ चलने बंद हो जाती थी, जो काम जो यहाँ पे चला हुआ था तो कुछ था यहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे फिर शिव मंदिर, कहते हैं कि कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे मिली थी खुदाई के टाइम, तो फिर उन्होंने यहाँ पे शिव मंदिर बना दिया था।
ये देखिए ये डैम के ही एरिया है सारा, और यहाँ पे पानी भी दिखाई देगा थोड़ा बहुत। देखिए सामने पानी दिखाई दे रहा है, ये सारा डैम का पानी है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, और ये देखिए ये डैम का स्पिलवे है। जब ये ऊपर डैम के गेट खोले जाते हैं तो सारा पानी इधर आता है, और ये सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं शिव मंदिर के लिए। और मैं आप लोगों के साथ ये सुंदर सा एरिया एक शेयर कर रही हूँ। ये देखिए पहाड़ियाँ कितनी सुंदर, और ये सारा पानी है यहाँ पे। इसके अंदर भी हमें जाने के अलाउड नहीं है, यहाँ पे गेट बंद था, बट अगर जाना चाहते तो क्रॉस करके जा सकते थे, बट हम लोग नहीं गए। तो मैं दूर से ही दिखाने की कोशिश करी। और ये ऊपर वो जो रोड दिखाई दे रहा है, ये सारा मतलब कि डैम का एरिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो भी बनवा रही हूँ। और ये है शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, और नीचे इनके यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। और ये सीढ़ियाँ जो ऊपर को जाती हैं, ये ऊपर शिव मंदिर के लिए जाती है। और बहुत ही पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे शिव मंदिर बना हुआ है छोटा सा, वहाँ पे भी काफ़ी मतलब कि सुंदर है। मैं फिर कभी आप लोगों के साथ ये मंदिर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ इसलिए चढ़ रही हूँ क्योंकि कार की चाबी भाई के पास थी, तो मुझे मैं नीचे गाड़ी में ही थी बैठी हुई, तो वो लेने जा रही हूँ। लिखा भी हुआ है नीचे शिव मंदिर। तो मैं नीचे का व्यू आप लोगों को दोबारा से दिखा देती हूँ। और ऊपर जो ये टॉप में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये देखिए गेट दिखाई दे रहा है हल्का सा, यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे ये सब लोग माता टेक के वापस आ गए हैं, और मस्त बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। तो आई यहाँ पे ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और